गुड आफ्टरनून स्वीटी, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? फाइन, गुड. थैंक यू फॉर आस्किंग. गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आंसर. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाउ आर यू? फाइन. ओके, सो टुडे लेट्स बिगिन विथ पेंटिंग चैप्टर. एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स ऑफ पेंटिंग, सो वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया. ओके, कि पेंटिंग में क्या होता है. पेंटिंग में अलग अलग स्टाइल्स होती है, अलग अलग सिविलाइजेशंस जो थी, जब ये उनके जो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, स्कल्पचर्स बना रहे थे, पेंटिंग्स बना रहे थे, तो उनमें वो क्या करते थे, सुधारना करते थे. जैसे धीरे धीरे सुधारना होती थी, अलग अलग किंगडम्स जो है वो राज करते थे, तो फिर वैसे आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट चेंज होता था. प्लस आर्टिस्ट कहीं अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन लेते थे, उसमें इवॉल्व करते थे. तो आज हम जो है चैप्टर 6 में देखेंगे इम्प्रेशनिज्म. तो इम्प्रेशनिज्म क्या है, व्हाट डू यू थिंक? अभी तक आपने पेंटिंग के 5 चैप्टर्स पढ़े हैं मेरे साथ, तो मैं ये नहीं पूछ रही कि प्रॉपर मुझे इम्प्रेशनिज्म का मीनिंग बताइए, बट आपके शब्दों में ये चैप्टर है 6 चैप्टर, इसमें इम्प्रेशनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, कौन मुझे बता सकता है? मैम, कैन यू रिपीट योर सेल्फ? इम्प्रेशनिज्म, राइट? अभी हमारा 5th चैप्टर हमारा रेनेसेंस था, राइट? 4th चैप्टर आई थिंक हमारा, लाइक पहले 3 चैप्टर्स हमारे इंडियन आर्ट के ऊपर थे, एंड 4th चैप्टर आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट लाइक हमने सीखा नहीं कि इस एडी से इस एडी में आर्ट कैसा था, फिर इस एडी से इस एडी में इंडियन आर्ट कैसा था, फिर रेनेसेंस आर्ट कैसा था. अभी इम्प्रेशनिज्म में क्या होगा, मीन्स आपके हिसाब से? मैम, आई थिंक इम्प्रेशनिज्म, द पेंटिंग्स वी मेक इन दिस चैप्टर वाइज, आई थिंक द पेंटिंग्स वी मेक सो दैट कीप्स अ इम्प्रेशन ऑन देमसेल्व्स. ओके, वेरी वेल. एंड ऑन अ पर्सन ऑल्सो, लाइक इफ वी मेट समवन एंड वी से लाइक योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, दैट कैन ऑल्सो बी. नेचर और द एनवायरमेंट, सो लाइक इम्प्रेसनिंग देम एंड द आर्टिस्ट में लाइक पेंट इट और डू इट इन देयर ओन वे, लाइक एक्सप्रेस द स्टफ अराउंड देम, सो लाइक दैट. ओके, वेरी वेल. गौरव इज ऑल्सो सेइंग इम्प्रेशनिज्म ऑफ कल्चर एंड पीपल. ओके, वेरी वेल, वेरी वेल. ओके, सो आपको एक आइडिया आ रहा है, सो यू कैन राइट द पेपर ऑफ पेंटिंग. वेरी वेल डन. ओके, तो अभी लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वी विल लुक एट द ग्लॉसरी वर्ड्स. ओके, सो हियर देर आर 9 ग्लॉसरी वर्ड्स. सो सिद्रा, वन बाय वन रीड देम एंड रीड वन एंड स्टॉप. ओके. Okay. With the meaning? Yes, yes. Okay. Acuteness reaching the extreme. Okay. तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे एक वर्ड है acuteness यूज किया जाएगा, तो उसमें वो बोलेंगे कि एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने जो है ऐसी कारीगरी की थी, तब वो acuteness वर्ड जो है यूज करेंगे. नेक्स्ट पढ़िए. डिस्टिंक्टिव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी जैसे एक पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग में कभी वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं या फिर डिफरेंट, लाइक लॉट ऑफ, देखो एक कोई भी पर्सन होता है उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई भी थीम के, तो वैसे ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का ही एक अलग वर्ड है, सिनोनिम बोल सकते हैं, तो डिस्टिंक्टिव यहाँ पे यूज करेंगे. बोलो. आइसोलेटेड, लोनली, कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी. ओके, तो आइसोलेटेड का मतलब है जो अकेला रहता है या फिर जिसको अकेला कर दिया गया है. Yes. Literally, exactly.
So इसको explain करने की जरूरत नहीं है. Next point पढ़िए. Pioneer, a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. Okay, जैसे हमने हम किसी function में जाते हैं या फिर कोई इवेंट देखते तो हम बोलते कि he was the pioneer or he is the pioneer of this. मतलब वो पर्सन जिसने सबसे पहले वो चीज स्टडी की है, उसको डेवलप किया है वो नॉलेज या कल्चर को. नेक्स्ट पढ़िए. स्पॉन्टेनिटी अकरिंग नेचुरली. अभी स्पॉन्टेनिटी, अभी हम एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर बोलते हैं कि झट से जो है हमने डिसीजन ले लिया या कुछ कर लिया, उसको इम्पल्सिव भी बोलते हैं. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि ओके, जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओ आई एम जस्ट ड्रॉइंग समथिंग एंड इट जस्ट अपीयर टू मी, मैंने ये लीफ ड्रॉ किया है और मैं लीफ को ही क्या कर रही हूँ, आंख दे रही हूँ, नोज दे रही हूँ और इसको स्माइल दे रही हूँ. सो दैट इज स्पॉन्टेनिटी, मतलब अकरिंग नेचुरली उनको क्या हो रही है, वो चीजें जो है आर्टिस्ट वे में अकर हो रही है और वो क्या कर रहे हैं, उनके कैनवस पे ला रहे हैं. नेक्स्ट. स्वर्लिंग पैटर्न ऑफ ट्विस्ट और कर्ल. ओके, तो जो भी ऐसे स्वर्ल्स होंगे उनकी पेंटिंग में, तो वो स्वर्ल्स ऐसे नहीं होंगे, वो जो ब्रश होता है उनको, वो ब्रश को कैसे स्वर्ल करके उनकी पेंटिंग को बना रहे हैं, तब वो ये वर्ड यूज किया जाएगा, स्वर्लिंग. नेक्स्ट पढ़िए. Transparency is a picture made visible by audio. अभी a picture made visible by audio, it's a little bit of out of the box meaning, but transparency is मतलब जैसे कोई भी पेंटिंग होती है, पेंटिंग में कोई डेप्थ होती है, बहुत अंदर तक डेप्थ होती है कि जैसे वो सोसाइटी है, वो कल्चर का हमें कुछ ट्रुथ पता चल रहा है और दैट पेंटिंग इज स्पीकिंग टू अस इन दैट वे. ओके, ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट. वर्लपूल स्विंगिंग इन सर्कुलर मोशन इन सी एक्सेट्रा. या तो देखो, अभी ये जो स्वर्लिंग है, स्वर्लिंग भी ब्रश का स्वर्ल करेंगे, वर्लपूल भी जो है उनका सिर्फ ब्रश रहेगा आर्टिस्ट का, तो उसको ये जो स्विंगिंग इन सर्कुलर मोशन उनकी जो पेंटिंग्स है उसके ऊपर करेंगे. तो हम ये पेंटिंग्स जब देखेंगे तो आपको ये जो वर्ड्स है समझ में आएंगे और उससे रिलेट करके आएंगे. थैंक यू सिद्रा. हाँ जी अंशुल, पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ, पूरा पढ़ना है. ठीक है. ओके मैम. Impressionism was an artistic movement that drew inspiration from the simplicity of everyday life. The name Impressionism was given by an art critic at the first exhibition of this art group in 1874. The artists of Impressionism followed a style or movement in art concerned with the effect of light on objects. They came out of the studio to paint in open air, working quickly to create an impressionism of what they felt invisible universe. These artists attempted to capture freely and spontaneously the natural, ever-changing effects of light and color. Impressionist came to represent a major break between classical and modern painting. For impressionism, like most movements, was a rebellion against the conventional and academic standards, which in every age seemed to have the support of masses. Here, the artists were more attracted to subjects such as rivers, pools, harbors, cityscape, and human forms. Some of the pioneering artists of this movement were Claude Monet, Eduardo Manet, Augusto Renoir and Edgar Degas. Okay, बस enough, enough. I will explain. Okay, thank you, Anshul. Okay, अभी impressionism क्या है? ठीक है, जो आपने बोला that is right. But here, जब artist लोगों ने ये जो movement शुरू किया impressionism, मतलब इनके जो paintings के है एक impact create हो रहा था सामने वाले के ऊपर, तो impressionism was an artistic movement. Okay, I think yes, sweetie. आपने जो कंज्यूमरिज्म का जो ये लिखा है ना आपके बिजनेस स्टडीज के आंसर में, आपने वो आंसर लिखा है कंज्यूमरिज्म क्या है, बट कंज्यूमरिज्म ना एक मूवमेंट है. मूवमेंट क्या है कि जब बहुत सारे लोग जो है साथ में आते हैं
और वो चीज को फॉलो करते हैं, या फिर कंज्यूमरिज्म क्या है, कंज्यूमरिज्म एक मूवमेंट है जब सब कंज्यूमर साथ में आ रहे हैं और अगर कोई कंज्यूमर के साथ मतलब ये कर रहा है अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है तो सब कंज्यूमर्स मिलके क्या कर रहे हैं, मोमेंट उसका जो है क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं ये जो है प्रैक्टिस हम चलने नहीं देंगे। जैसे जो है गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या किया था, नॉन वायलेंस का जो मूवमेंट है वो शुरू किया था, राइट। पद यात्रा की थी, गांधी मार्च की थी, ये सब चीजें की थी, राइट। तो वो क्या होता है, दैट इज दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, जब हम बहुत सारे लोगों को साथ में लेके क्या करते हैं, वो कल्चर फॉलो करते हैं या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है उसे फॉलो करते हैं, या फिर फ्रीडम मूवमेंट, जैसे नहीं फ्रीडम मूवमेंट बोलते हैं हम, फ्रीडम के लिए कोई जो चीज है हम मूव, ऐसे नहीं कि मूव कर रहे हैं, बट जो है व्हाट वी कैन से हियर, एक चेंज बदलाव लाना चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट। ओके, या बदलाव ला रहे हैं। स्वीटी मैंने आपका चेक किया था बट आई थिंक मैं रिप्लाई करना भूल गई, इतना वो आंसर चेक कर लेना, ठीक है आपका। ओके मैम, या ओके। तो इंप्रेशनिज्म वॉज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट ड्रिव इंस्पिरेशन। ओके, तो ये मूवमेंट में क्या हुआ, इस दौरान हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही थी, सिंप्लिसिटी मिल रही थी एवरीडे लाइफ में। इंप्रेशनिज्म वॉज गिवन बाय एन आर्ट क्रिटिक एट द फर्स्ट एग्जीबिशन। ओके, किसी ने तो दिया था, एक आर्ट क्रिटिक ने फर्स्ट एग्जीबिशन को कब दिया था इंप्रेशनिज्म, 1874 में। आर्टिस्ट ऑफ इंप्रेशनिज्म, उन्होंने क्या फॉलो किया, एक स्टाइल मूवमेंट फॉलो किया आर्ट कंसर्न का। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि रेनेसेंस में देखा था, ठीक है उन्होंने लाइट का यूज किया था बट उनका जो एनाटॉमी थी, जैसे वो वीनस की गर्दन है वो थोड़ी टेढ़ी है। ओके, मतलब पूरे अच्छे से शेप में नहीं है, बट धीरे धीरे उन्होंने उसमें डेवलपमेंट लाया। तो अभी ये क्या करने लग गए, ये लाइट और डार्कनेस के साथ ये आर्टिस्ट क्या हो गए, खेलने लग गए इंप्रेशनिज्म मूवमेंट में। ओके, तो ये क्या करते थे, स्टूडियो में पेंट करते थे इन ओपन एयर। ओके, बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे। ओके, व्हाट दे फेल्ट विजिबल इन द यूनिवर्स, जो भी उनको यूनिवर्स में विजिबल दिखता था कि ये चीज जो है मैं निकाल सकता हूँ, इसका अटेम्प्ट मैं फ्रीली कर सकता हूँ, स्पॉन्टेनियसली कर सकता हूँ। जैसे हम ये नहीं बोलते, वो कंटेम्प्रेरी ड्राइंग टाइप रहती है, एप्पल सामने रख दिया, ठीक है, और फिर एप्पल के राइट साइड से लाइट आ रहा है तो वो साइड आप पूरा रेड पेंट नहीं करोगे, उसमें थोड़ा सा व्हाइट फ्लैश टाइप दिखेगा, ये साइड में डार्कनेस है तो ये साइड में क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा वो एप्पल। ओके, तो वैसे उनको जो भी चीजें दिखती थी नेचुरली, ओके, एवर चेंजिंग इफेक्ट उसमें जो आता था लाइट एंड कलर का, तो इंप्रेशनिस्ट क्या कर रहे थे, ये मेजर जो उनका जो ब्रेक है, ओके, बिटवीन क्लासिकल, क्या कर रहे थे, क्लासिकल और मॉडर्न पेंटिंग के बीच में क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। और ये जो मूवमेंट, इसको क्या कहा जाता है, रिबेलियन मूवमेंट। रिबेलियन मूवमेंट मतलब जैसे टीनेजर्स होते हैं, उनको कुछ बोला तो वो करते नहीं है, वो कुछ और करते हैं, उनका कुछ और सोच होती है। तो इनकी क्या थी, उनकी कोई और सोच थी, वो पूरा क्लासिकल भी फॉलो नहीं कर रहे थे, वो पूरा मॉडर्न कल्चर भी नहीं फॉलो कर रहे थे, दे वर गोइंग इन सम मिड वे एंड दे वर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस मतलब कि ठीक है, मैंने आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने आपको ए ऐसे लिखना सिखाया, मैंने आपको ए ऐसे लिखना सिखाया, और मे बी मैंने ये आपको ऐसे लिखना सिखाया, बट यू विल से ठीक है मैं ऐसे क्यों लिखूं, मैं ए जो हूं मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, तो अभी ये क्या हो रहा है, ये पूरा मतलब कैपिटल टॉप कैपिटल में ही नहीं आ रहा है, ये स्मॉल में भी नहीं आ रहा है, बट इसमें ये कर्व्स भी ले रहे हो और ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, राइट। तो ये क्या कर रहे थे, मिडवे ले रहे थे, ऐसे नहीं बोल सकते मिडवे ले रहे थे, बट दे वर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट, ये कन्वेंशनली ऐसे ही लिखते हैं ना, दे वर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट दैट। ओके, मैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही, बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो यार इनके जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स थे, हर एक एज के साथ क्या कर रहे थे, वो जो जो भी लोग थे इनको सपोर्ट कर रहे थे इसमें, तो आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे थे, अभी रिवर निकालना है, पूल निकालना है, हार्बर्स निकालना है, सिटीस्केप निकालना है, ह्यूमन फॉर्म्स निकालने हैं। तो ये पीरियड के आर्टिस्ट थे, इनके नाम है क्लॉड मॉनेट। ओके, तो यू वॉन्ट टू सी क्लॉड मॉनेट आर्टिस्ट,
ये देखिए ये आर्टिस्ट है क्लॉड मॉनेट, ये देखो इनकी ऐसी पेंटिंग्स है. ओके वी विल जस्ट सी द आर्टिस्ट फर्स्ट, देन इट इज एडोर्डो मैनेट. So he is an Edward Manet. Okay. And who is next? Augusto Renoir. Is इनकी पेंटिंग्स भी है, आप गूगल कर सकते हो बाद में. एंड एडगार डेगास. ये मैं इनके चेहरे आपको इसलिए दिखाती हूँ कि कुछ तो आपको याद रहना, तो ये नाम याद रखना इज लाइक मोर देन इम्पॉसिबल फॉर इंडियन माइंड. ओके ही इज एडगार डेगास, इनकी पेंटिंग्स भी पीछे है तो आप देख सकते हो इसमें भी कि इनकी पेंटिंग्स कितनी अलग है, मतलब उस जमाने के लिए. अभी तो लाइक मोर ओवर हमें मिल जाती है ऐसी पेंटिंग्स. फिर पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट. पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मतलब ये इम्प्रेशनिस्ट पीरियड के बाद क्या हुआ, एक्सटेंशन हुए. हर एक पीरियड के बाद क्या होता है, उसके एक्सटेंशन होते हैं. बहुत से लोग उसे फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उसे रिजेक्ट करते हैं कि नहीं ये जो है हम नहीं करेंगे. ओके तो इसका एक्सटेंशन हुआ एंड रिजेक्शन भी हुआ कि इसके जो लिमिटेशन है, मतलब ऑब्वियसली वो कन्वेंशनल वे फॉलो नहीं कर रहे थे बट पूरा एक्सटेंड नहीं कर रहे थे. ओके तो वो जो लिमिटेशन वो जिसमें ले रहे थे उसका जो है रिजेक्शन हुआ. और फिर क्या हुआ, डिस्टिंक्टिव ब्रश. बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रश के अलग अलग वे में स्ट्रोक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल स्वीटी को मैंने बोला स्वीटी स्लिपिंग लाइन ऐसे ही निकालनी है. स्वीटी बोलेंगी कि क्यों, मैं तो स्लिपिंग लाइन ऐसे ऐसे भी निकाल सकती हूँ, मैं तो स्लिपिंग लाइन ऐसे 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 भी निकाल सकती हूँ. हो तो ये लाइन ही रही है ना, राइट. आर्टिस्ट का दिमाग तो ऐसे ही होता है. तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग डिस्टिंक्टिव ब्रशेस लिए, उनके अलग अलग वे में स्ट्रोक्स किए कि अगर उनको ऐसे, मतलब वो ऐसे ही स्ट्रोक कर रहे थे नहीं, बट वो स्वर्ल्स कर रहे थे, वो वर्लपूलिंग कर रहे थे उनके ब्रश में. ओके ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ले रहे थे, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ले रहे थे अलग अलग, कि उनकी जो फीलिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ आर्टिस्ट इज ड्रॉइंग समथिंग तो उसकी पेंटिंग ब्रश से एक्सप्रेस करेंगे ना, एट दैट मोमेंट. Is he feeling angry? Is he feeling love? Is he feeling की, मतलब ये जो पेंटिंग है उसका खुद का पर्सनैलिटी भी जा रहा है, प्लस वो जो सामने की जो चीज देख रहा है उसकी भी जो पर्सनैलिटी, वो क्या कर रहा है उसकी पेंटिंग में लाने की कोशिश कर रहा है. ओके सो हम इसमें ही देखेंगे. तो इसमें और जो फॉलोअर्स थे इसके थे जॉर्ज सेरेट, पॉल सीजैन, ओके गॉगियन एंड विंसेंट एंड वैन गॉग. ओके इन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारे इनकी जो फीलिंग्स है, देखो फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर स्टेट ऑफ माइंड, उनके पेंटिंग्स द्वारा ये जो है उनके कैनवास पे लाई है. ये सबको तो पता ही होगा आर्टिस्ट क्या करते हैं, उनकी फीलिंग्स और जो सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स क्या करते हैं, कैनवास पे लाते हैं. अभी नीतू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर पढ़िए. गौरव भी पढ़िए. हेलो, मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या मिस? थोड़ा सा ज़ूम करेंगे क्या? ओ आपका ये प्रॉब्लम है. नहीं, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन द लर्नर शुड बी एबल definite the main features of those art of moment. Ma'am, done? Ma'am, painting ke baad hai actually objectives. ठीक है, डन डन, थैंक यू. मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ, इसको देख नहीं पा रही हूँ मैं. ओके गौरव भी आप पढ़ोगे आगे?
differentiate the different stylistic approach of paintings done by आवाज नहीं आ रहा आपका differentiate the आवाज नहीं आ रहा है गौरवी म्यूट पे जाओ गौरवी म्यूट पे जाइए प्लीज हर्ष हर्ष कहाँ चले गए हर्ष पढ़िए 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 जल्दी मैं क्लास 2:55 को एंड करने वाली हूँ आप लोग क्लास में आते हो बट यू शुड बी अटेंटिव ओके स्वीटी पढ़िए Differentiate the different stylistic approach of paintings done by Impressionists. Mention the style of enlisted artists. Describe the formation of Impressionism. State the pioneers of these art movements. Okay. तो अभी हम ये चैप्टर में क्या देखेंगे Identify the main features. कौन से main features थे ये art movement में Okay. फिर हम बाद में देखेंगे Differentiate कर पाएंगे इनका approach क्या था Impressionist style करने के लिए और मेंशन कर पाएंगे ये जो भी एनलिस्टेड आर्टिस्ट हम देखे हैं ना वो जो किसके थे वो इंप्रेशनिज्म मूवमेंट के थे एंड देन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इंप्रेशनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड कौन से पायनियर्स थे उनका नाम जो है हम जान पाएंगे अभी सबसे पहले मैं आप सबको 10 seconds दे रही हूँ ये पेंटिंग जो है ये वाटर लिलीज की पेंटिंग बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए देखो ये आर्टिस्ट जो है ही इज ब्रेकिंग ऑल द नॉर्म्स सनलाइट कैसे आ रही है गोल्डन कलर उसने कैसा डाला है इसमें ब्रश का स्ट्रोक्स कैसे यूज किए हैं उसने ओके जस्ट लुक एट दिस ऑब्जर्व कीजिए कि इन्होंने कैसे किया है ओके आई होप सबने देख लिया है ओके अभी ये जो पेंटिंग है वाटर लिलीज है आर्टिस्ट इसका है क्लाउड मोने फिर मीडियम इसका क्या है किससे बनाई गई है पेंटिंग ऑयल कलर से बनाई गई है पीरियड इसका कब का बनाई गई है 1899 में स्टाइल इसका इंप्रेशनिज्म है कलेक्शन कहाँ पे इसका नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में इसका कलेक्शन है श्रुति श्रुति यस मैम बढ़िया अमंग द एंटायर इंप्रेशनिस्ट Claude Monet was the most dedicated and spontaneous artist to capture ever-changing moods of nature. He was born in Paris on 14 November 1840. Most of his life he traveled tirelessly seeking new settings and efforts of nature to paint. He is widely regarded for his enchanting flowers, his landscape, river with boats, his sea slab and rock gold. He endlessly painted the wonderful water garden, which gave him his final great public recognition in the series of water lilies in 1899 to 1900. The Japanese bridge across the pond acted as a central feature of the painting. In almost all this painting, the sky are barely absent, but he freely painted his brilliant reflection in many vibrant colors to add extraordinary depth. The fresh blossomed lilies of various size add to the beauty of the painting. Oh, thank you. Now, general description. अभी हमने एक लॉर्ड मोनेट की वाटर लिलीज की पेंटिंग देखी अभी इसके जनरल इसमें क्या देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि ये जो आर्टिस्ट था ओके ये आर्टिस्ट क्या था ही वाज वेरी डेडिकेटेड और स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट था मतलब जो उसको दिखता था उसे वो क्या करता था कैप्चर करने की कोशिश करता बट एवर चेंजिंग मूड्स ऑफ नेचर जैसे नेचर जो कैसा होता है चेंज होता है सुबह होती है शाम होती है रात होती है ओके व्हाटएवर ओके बट इसमें ये एवर चेंजिंग मूड के साथ क्या करता था अपना जो विजन है ओके वो भी डालता था तो इनका अभी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं पेरिस में हुए थे एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या बता रहे पता है इनके बारे में कि इनकी बहुत सारी लाइफ में इन्होंने क्या किया बहुत ट्रैवल किया यस ट्रैवल्ड ओके सीकिंग द न्यू सेटिंग्स मतलब अलग अलग जगह जाना अलग अलग जगह देखना यहाँ पे सनराइज कैसे हो रही है यहाँ पे सनसेट कैसा हो रहा है यहाँ का क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे सन कैसे गिरता है ये सब इन्होंने क्या किया है ही ट्रैवल्ड एंड ही एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दोस थिंग ओके ही इज वाइडली
regarded for his enchanting flower landscape. तो इनकी जो एक enchanting flower landscape painting है, इसके ऊपर ये जो है, he is hardly regarded for that. ये इनकी पेंटिंग है, ओके. तो इसके लिए ही इज हाईली रिगार्डेड, इनको जो है रिकग्निशन मिला था. फिर रिवर विद बोट्स, सीस्केप एंड रॉक कोस्ट, ओके. और इन्होंने ये सब चीजें एंडलेसली पेंट की है, ओके. वंडरफुल वाटर गार्डन्स विच गेव हिम ग्रेट पब्लिक रिकग्निशन. ये सब पेंटिंग्स निकाल के उनको क्या मिला, पब्लिक रिकग्निशन मिला. तो यही सीरीज में जो है वाटर लिलीज है, ये भी जो है फाउंड होती है. कब हुई थी ये, इन्होंने निकाली थी 1899 टू 1900 में, ओके. ये क्या है, एक जापानीज ब्रिज है अक्रॉस द पॉन्ड, ओके. एक पॉन्ड के पास जो है जापानीज ब्रिज है. इसके सेंट्रल फीचर्स ऑफ द पेंटिंग यही है, हमने देखा क्या, एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है अंदर, ओके. स्काई बेरली एबसेंट बट फ्रीली पेंटेड विद ब्रिलियंट रिफ्लेक्शन ऑफ वाइब्रेंट कलर. जैसे इसमें येल्लो कलर यूज किया गया है, तो ये वाइब्रेंट कलर से, इससे क्या हो रहा है, ये जो पेंटिंग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेप्थ मिल रही है. और एक फ्रेश ब्लॉसम लिलीज ऑफ वेरियस साइजेस एड द ब्यूटी टू दिस पेंटिंग. ओके, नाउ इज दिस क्लियर, ये पेंटिंग समझ में आ गई सबको? यस मैम. ओके, अभी ये जो नेक्स्ट पेंटिंग है, ये प्लीज नोटिस कीजिए. देखिए इसमें ब्रश का कैसे इस्तेमाल किया गया है, कैसे लोग, सपोज कभी क्रिसमस की पार्टी है, फिर दिवाली की पार्टी है, तो कोई आर्टिस्ट जो है उसको दूर से देख रहा है, तो वो कैसे इसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसके कैनवस के ऊपर निकाल रहा है, ये चीजें जो है ये पेंटिंग में ऑब्जर्व कीजिए. उनके कपड़े कैसे निकाल रहा है, ओके. हैट्स है, तो ये पेंटिंग का नाम है मॉइलिन डे ला जेलेट, ओके. अभी ये जो पेंटिंग है, आर्टिस्ट है इसका ऑगस्ट रेन्योर, ऑयल ऑन कैनवस पे निकाली है 1876 में. स्टाइल इसका इंप्रेशनिज्म है. कलेक्शन इसका कहाँ पे है, कहाँ पे रखी हुई ये पेंटिंग अभी, मुसी डे ले इम्प्रेशनिज्म में पेरिस में रखी हुई है, ठीक है. अभी श्रुति ने पढ़ लिया, सिद्रा पढ़िए. यस मैम. ऑगस्ट रेन्योर 1841-1919 वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. ही पेंटेड मॉलिन दे ला गलत इन 1876. द पेंटिंग शोज यंग पीपल एंजॉयिंग लाइफ, पिकनिक्स, डांस एंड पार्टी. रेन्योर वाज अ क्रिएटर ऑफ सॉफ्ट, सेंटिमेंटल एंड चार्मिंग पेंटिंग्स. व्हाइल पेंटिंग ही यूज्ड अ शार्प ऑब्जर्वेशन टू रजिस्टर द मूवमेंट, एटमॉस्फेयर एंड इमेजेस ऑफ कार्शियन सोसाइटी. ही यूज्ड शेड्स ऑफ पर्पल, व्हाइट एंड ब्लू टोन्स टू यूनाइट द मॉडलिंग ऑफ फिगर्स ड्रेस्ड इन फैशनेबल क्लोथ्स. ही एडेड डिलाइट एंड फ्रेशनेस इन कलर विच स्पार्कल्स लाइफ इन हिज पेंटिंग. His works show tenderness and harmony in perfectly balanced and pleasant compositions. Renoir prefers to paint group composition, portraits and female model studies. He was expert to communicate the impression of joy of life through his paintings. Okay, अभी ये पेंटिंग हमने देखी, ठीक है, ऑगस्ट रेन्योर की. ओके, अभी इनका जो है बर्थ और डेथ डेट बता रहे हैं 1841 टू 1919 तक. ये कौन थे, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ओके. इन्होंने जो है ये जो पेंटिंग है मॉइलिन डे जेलेट, ये जो है इन्होंने 1876 में इसको निकाला. और ये पेंटिंग में उन्होंने क्या डिपिक्ट किया, क्या बताना चाह, ये पेंटिंग में बता रहे हैं कि यंग पीपल कैसे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, पिकनिक्स, डांसेस, ओके. तो रेन्योर कैसे थे आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट का जो है ना एक मूड होता है. अभी हमने सबसे पहले वाले आर्टिस्ट देखे, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, उन्होंने नेचर के साथ बोल सकते हैं ये ट्राई टू प्ले विद द कलर्स ऑफ नेचर, और वो जो है चीज उन्होंने उनके कैनवस पे निकालने की कोशिश की. इनके सभी ऊपर के जो आर्टिस्ट है उनके सभी जो पेंटिंग्स थे वो कैसे थे, नेचर के रिलेटेड थी, गार्डन्स और ये सब. अभी ये जो आर्टिस्ट है इनकी पेंटिंग्स देखे, इनकी पेंटिंग्स रेन्योर कैसे थे. ही वॉज क्रिएटर ऑफ सॉफ्ट
मतलब इसका इनका जैसे इनके कलर्स भी है देखो, बहुत सॉफ्ट कलर्स है, सटल कलर्स है, सेंटिमेंटल चार्मिंग पेंटिंग्स ये निकालते थे। और फिर इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जर्वेशन होता था, जो भी चीज कहीं पे भी जाते थे वो मोमेंट को वो क्या करते थे, रजिस्टर करते थे उनके माइंड में वो जो एटमोस्फियर रहता था। ओके, और अभी ये जो है पर्शियन सोसाइटी को उन्होंने इस पे डिपिक्ट किया है, उन्होंने शेड्स ऑफ पर्पल यूज किए हैं, वाइट ब्लू टोन्स यूज किए हैं। ओके, और ये जो मॉडलिंग है मतलब जो फिगर्स निकालिए लोगों को निकाल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडलिंग ऑफ फिगर्स ड्रेस्ड इन फैशनेबल क्लोथ्स। और फिर उनको बहुत ज्यादा फ्रेशनेस दी है, हमें दिख रहा है पेंटिंग में कितना फ्रेशनेस दिख रहा है, टेंडरनेस दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है पेंटिंग में, बैलेंस दिख रहा है, कंपोजिशन दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या किया इन्होंने, इनकी पेंटिंग में लाने की, इंप्रेशन लाने का कोशिश किया, जॉयज ऑफ लाइफ। ये पेंटिंग सबको क्लियर हो गई, ये आर्टिस्ट कैसे थे? यस मैम, यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट पेंटिंग है, ये पेंटिंग प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, डांस क्लास है ये पेंटिंग का नाम। अभी ये पेंटिंग में देखिए कैसे ये जो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट इंडोर पेंटिंग निकाली। अभी हमने क्या किया, पहले दो आर्टिस्ट देखे, उन्होंने दोनों ने आउटडोर पेंटिंग निकाली, एक ने तो नेचर की पेंटिंग निकाली, दूसरे ने नेचर के साथ मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी सोसाइटी, वो पेंटिंग निकाली। यह आर्टिस्ट ने इंडोर पेंटिंग निकाली है एक हॉल के अंदर की, और हॉल के अंदर ही जैसी जो लाइट है वही जो है पेंटिंग में उसका पूरा जो इंप्रेशन है, डिपिक्शन है, लाने की कोशिश की है। अभी देखिए टाइटल है इसका डांस क्लास, आर्टिस्ट है इसका एडगार डेगस, ऑयल ऑन कैनवस मीडियम है, कैनवस के ऊपर निकाला गया है, पीरियड इसका 1873 टू 1876 में निकाली गई है, स्टाइल इसका इंप्रेशनिज्म है। यह पेंटिंग कहाँ पे रखी है, म्यूजियम ऑफ आर्ट इन टोलेंडो ओहायो यूएसए में ये पेंटिंग है। रीम इज देयर इन द क्लास? यस मैम। Read, please, my dear. The painting dance class was created by French painter Edgar Degas, born in Paris, Naples, in 1834. Unlike other impressionists, Edgar Degas refused to paint from nature. He was interested mainly in human presence. Among his most notable achievements are his paintings of ballet dancers in frill skirts practicing, getting ready or revolving around the stage. His off-centered composition gave impression of spontaneity to capture gesture or a pose full of life. In most of his paintings, he preferred to play with artificial light of the theater than to sunlight. His most favorite medium was pastel. Sometimes he used different mediums in the same picture, or else he would superimpose coats of pastel in order to obtain transparencies between layers. Other than painting, Degas also took up sculpture to express rhythmic movements of dancers in real space. Okay, अभी हमने देखा दूसरे दो आर्टिस्ट, अभी ये आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, एडगार बैरिस में बॉर्न हुए थे नेपल्स में, ओके 1834 में, और उन्होंने लाइक ही रिफ्यूज टू पेंट फ्रॉम नेचर, उनको नेचर से पेंट नहीं करना था, उनको मोस्टली ही वॉज इंटरेस्टेड जहां पे भी ह्यूमन प्रेजेंस होती थी वो जो है वही पे जो है पेंटिंग निकालते थे, वही उसको ही मतलब इंस्पायर होके। और उन्होंने बहुत ज्यादा नोटेबल अचीवमेंट्स किए पेंटिंग के, बैलेट डांसर्स इन फ्रिल स्कर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कोई तैयार हो रहा है, या फिर मतलब जस्ट कोई स्टेज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ऐसी पेंटिंग्स में उन्होंने क्या मिला है, रिकग्निशन मिला है। ये भी बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट है, ओके कोई भी जो पर्सन है उसका जो जेस्चर है उसे क्या करते थे वो जो है कैप्चर कर लेते थे, और क्या करते थे वो प्रेफर करते थे मोर एवर आर्टिफिशियल लाइट ऑफ थिएटर, ओके देन टू सनलाइट, सनलाइट का वो प्रेफर नहीं करते थे, आर्टिफिशियल लाइट में प्रेफर करते थे। और उनका फेवरेट मीडियम था जैसे पेस्टल होता है ना, पेस्टल कलर का जो पेस्टल्स होते हैं, जैसे ऐसे लड़कियों की लिपस्टिक जो होती है पेस्टल कलर की होती है, शाइनी नहीं होती, उसमें ही वो क्या करते थे, निकालते थे। ओके
और फिर क्या करते थे, सुपर इम्पोज करते थे ये पेस्टल कलर उनकी जो ट्रांसपेरेंसी के लेयर्स उसमें देखते थे। एंड बहुत ज्यादा बार उन्होंने क्या किया है, ये ही जो उनका आर्ट फॉर्म है ही ट्राइड स्कल्पचर वे में भी इन्होंने लाने की कोशिश की है। सो एवरीबडी क्लियर विद डांस क्लास पेंटिंग? यस मैम। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अभी, आपको वैसे भी समझ में आ ही गया है अभी। आई थिंक टू और पेंटिंग्स आर रिमेनिंग। रीम ने पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट पेंटिंग है स्टील लाइफ विथ ऑनियंस। ओके, इट्स न्यू, मतलब स्टील लाइफ किसके साथ है, ऑनियंस के साथ है। ये बस पेंटिंग एक मिनट के लिए ऑब्जर्व कर लीजिए, ये पेंटिंग ऑब्जर्व कीजिए, ये पेंटिंग में देखिए कैसे न्यूट्रल कलर्स का जो है इस्तेमाल किया गया है, प्लस कहाँ पे लाइट गिर रही है, कैसे गिर रही है लाइट, ठीक है। और आर्टिस्ट ने ऐसा जो एक रॉ फंक्शन है, कोई सोचेगा नहीं ऑनियंस को निकालना, बट ही थॉट ऑफ ड्रॉइंग ऑनियंस। ओके, पेंटिंग ऑनियंस, तो ये देखते हैं स्टील लाइफ विथ ऑनियंस। आर्टिस्ट है इसके पॉल सीजन। मीडियम है इसका ऑयल ऑन कैनवस। पीरियड है इसका 1895 to 1900 में निकाली गई थी। और ये स्टाइल क्या है, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल है। जैसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, पहले ही हमने देखा कोई भी जो एक मूवमेंट होता है वो मूवमेंट के बाद क्या होता है, उसका बाद में का पीरियड होता है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो पहले के लोग जो फॉलो कर रहे थे वो फॉलो करते हैं, नहीं तो जो पहले के लोग फॉलो करते हैं उसको क्या करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। हम देखेंगे आर्टिस्ट ने क्या किया है। और इसका जो कलेक्शन है मुसीडे और से पेरिस में जो है इसका रखा हुआ है। लेट मी जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ योर अटेंडेंस एंड ज्वाइन अगेन। रौनक फिर से ज्वाइन कीजिए, लीव कर दिया क्या रौनक ने?